हेलो दोस्तों, अगर आपको भी अचानक से पैसों की यहाँ पे जरूरत पड़ चुकी है और पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, तो आज मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1,000 से लेकर 2,00,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला पूरे 17,000 रुपए का, मुझे यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ ही आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और जो एप्लीकेशन है एकदम आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है। अब मैं चलता अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग पे आपको 7,000 रुपए का पे लोन मिलेगा। जब आपको 7,000 रुपए का लोन मिलेगा आपके बैंक खाते में आएंगे 6,008 रुपए। आपको टोटल रिपेंड यहाँ पे 7,052 रुपए यहाँ पे करनी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 18% का आपको इंटरेस्ट लगने वाला, 24 मंथ का आपको टाइम मिल जाएगा। तो भाई कमाल की एप्लीकेशन है, सिर्फ पैन कार्ड डालना है आपको, आधार कार्ड डालना है, इंस्टेंट आपको यहाँ पे लोन का अप्रूवल मिल जाएगा और ज्यादा आपको ब्याज यहाँ पे नहीं देना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6,008 रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे और 7,000 पे आपको रिपेमेंट करनी है। आपको ईएमआई का टाइम मिलेगा ना, तो 24 मंथ का आपको ईएमआई का टाइम मिल जाएगा। अगर आपको भी पैसों की जरूरत है ना, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। लोन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर देना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। तब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आ जाना। जैसे आप प्ले स्टोर पे आएंगे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को भी ब्लर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, जिनके कारण उनको आधी अधूरी जानकारी मिलती है और बाद में जाके बोलते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी यहाँ पे लोन नहीं मिला। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको यहाँ पे लिमिट मिलने वाली है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, आप इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 4.1 की इसकी रेटिंग है और 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। तो डाउनलोड देख सकते हैं भाई, 1 करोड़ प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड अभी तक यहाँ पे हो चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको ओपन वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। तो उसके बाद आपको काफी सारे लोन के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको काफी सारा लोन अमाउंट मिलेगा, 7,000 रुपए का, 8 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का और 17,815 रुपए का भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आप इस एप्लीकेशन पे सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के जरिए इंस्टेंट यहाँ पे काफी सारे लोन की लिमिट यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे पहले को बेसिक जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 10,500 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूँ तो कितने मेरे बैंक खाते में आने वाले, कितना मुझे इंटरेस्ट पे लगने वाला, तो वो पहले आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे जो हमारा लोन का अमाउंट है 10,500 रुपए का है, यहां जो मेरे बैंक खाते में आएंगे 9,230 रुपए मेरे बैंक खाते में आ जाएंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इसमें यहां पे मुझे बैलेंस यहां पे रिसीव हो जाएगा। यहां पे देख सकते हैं, और जो मुझे टोटल पेमेंट करनी है ना, तो 10,604 रुपए की मुझे टोटल पेमेंट करनी है। तो यहां पे आप ब्याज देख सकते हैं कितना यहां पे कम लग रहा है कि आपके जो बैंक खाते में आएंगे 9,230 रुपए, आपको जो टोटल पेमेंट करनी है 10,604 रुपए, आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 24% का आपको इंटरेस्ट लगने वाला है और टेनवर आपको 24 मंथ का पे मिल जाएगा। तो भाई कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आपको इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपको वीडियो को एकदम कंप्लीट यहां पे देखना है। तो जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड को सबमिट करेंगे तो यहां पे आपको काफी सारे लोन के ऑप्शन मिलेंगे। आपको करना क्या है, यहां पे आपको अगर यहां पे 7,000 रुपए का लोन मिलता है ना, तो आपको उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करनी है। उसके बाद आपकी जो लिमिट बढ़ेगी 8,750 रुपए की, आपको इसकी रिपेमेंट भी टाइम से करनी है। उसके बाद यहां पे 10,500 रुपए की रिपेमेंट करनी है, उसके बाद 11,700, जैसे जैसे आप यहां पे रिपेमेंट करते रहेंगे तो वैसे वैसे आपकी लिमिट यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो लिमिट बढ़ते बढ़ते पूरे मेरी लिमिट यहाँ पे 17,815 रुपए की यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप इसकी रिपेमेंट टाइम पे करते हैं, आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हो तो आपको इसकी रिपेमेंट टाइम पे करना है, तो यहाँ पे आपको एक कमाल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते हैं तो जल्दी से आपको वहाँ पे एनओसी नहीं मिलते। तो इस एप्लीकेशन पे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड एनओसी का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपका लोन यहाँ पे क्लोज होता है ना, तो जैसे ही आपका लोन पे क्लोज होगा उसके बाद आपको यहाँ पे एनओसी लेटर मिल जाएगा। तो भाई कमाल की एप्लीकेशन है, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सातों सात डाउनलोड एनओसी लेटर मिलता है कि भाई काफी अच्छी एप्लीकेशन है। तो आरबीएस अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, उसकी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूं। अगर मैं यहाँ पे 13,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूं ना, अगर मैं 13,000 रुपए के लोन को अप्लाई करता हूं, जो मेरा अमाउंट है 13,700 रुपए का, जो मेरे बैंक खाते में आएंगे 12,098 रुपए मेरे बैंक खाते में आ जाएंगे और 13,921 रुपए मुझे यहाँ पे करना है और 36% का मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लगने वाला है। तो इंटरेस्ट है ना, वो डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कि आपका सिबिल यहाँ पे कैसा है। आपको जो टेनवर मिलेगा 24 मंथ का आपको टेनवर मिल जाएगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई काफी अच्छी एप्लीकेशन है। सिर्फ आपको करना क्या है, अगर आपको इस एप्लीकेशन पे लोन मिलता है ना, तो आपको उसकी एक भी ईएमआई को डिले नहीं रखना, टाइम टू टाइम इसको पे
करना है। जैसे जैसे आप इसको पे करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी लिमिट बढ़ते बढ़ते 2 लाख रुपए तक यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे मेरी लिमिट पे कम भी थी, यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 7,000 रुपए की लिमिट मिली थी, पर मैं इसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसकी रिपेमेंट करता रहता हूँ तो वैसे वैसे मेरी यहाँ पे लिमिट बढ़ती रहती है। आपको यहाँ पे ना तो यहाँ पे देनी पड़ेगी कोई सैलरी स्लिप, ना आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे कोई स्टेटमेंट, सिर्फ आपको यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर ही आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन है काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, पुरानी एप्लीकेशन है, कैसे आपको यहाँ पे लोन मिलने वाला है तो इसी वीडियो में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा कि आप इस एप्लीकेशन पे देखो यहाँ पे जो मेरा लोन अमाउंट था 17,815 रुपए का, तो जैसे ही मैंने 17,815 रुपए के लोन को अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं जो मेरे बैंक खाते में आए हैं 15,660 रुपए मेरे बैंक खाते में आ चुके हैं, 18,089 रुपए मुझे यहाँ पे करने हैं। तो भाई देख सकते हैं आपको जो इंटरेस्ट लगा ना यहाँ पे 15,660 रुपए, तो यहाँ पे 3,000 रुपए का मुझे मैक्सिमम यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है। और जो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 36% का मुझे इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आपका सिबिल यहाँ पे सही होगा तो आपको 24% का इंटरेस्ट भी लग सकता है और यहाँ पे 18% का इंटरेस्ट भी आपको लग सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। यहाँ पे टेनवर देख सकते हैं, यहाँ पे 24 मंथ का इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई काफी अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको पैसों की नीड है तो आप इस एप्लीकेशन पे ट्राई यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है, तो सबसे पहले आप इसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, 4.1 की इसकी रेटिंग है और 1 करोड़+ इसके यहाँ पे डाउनलोड, तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको यहाँ पे डाउनलोड पे कर लिया। सबसे पहले हम इसके अबाउट सेक्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पे काफी लोगों का मैंने डाउट चलता है कि जब हमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड है नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे RBI रजिस्टर्ड NBFC लोन ऐप इन इंडिया फॉर EMI शॉपिंग एंड द इंस्टेंट पर्सनल लोन आपको मिलेगा और 2 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा, 100% प्रोसेसिंग यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद आपके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करना तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे इसके यहाँ पे लेंडर पार्टनर है जो इसके यहाँ पे लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लिखा वी वर्क द RBI रजिस्टर्ड NBFC द NBFC एयर द फ्लो, तो आप जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं साई क्रेवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मैथ्स फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, पूनावाला फिनक्रोप लिमिटेड, नॉर्थन ARC कैपिटल लिमिटेड, पीरामल फाइनेंस इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर से साइन अप करना है, KYC करनी है, लोन एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा और इंस्टेंट ये जो लोन है आपके बैंक खाते में आपके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा पे ऊपर करना, अगर आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना है आपकी जो एज है 21+ यहाँ पे होनी चाहिए, आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे करना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है ईमेल सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वारी है आप इनसे मेल से भी बात कर सकते हैं और फोन से भी आप इनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। और नीचे आपको इनका एड्रेस मिल जाएगा, आप अच्छे से इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे कब लॉन्च हुई थी पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा 14 अगस्त 2015 को एप्लीकेशन आएगी, अब यहाँ पे 24 चल रहा है तो 9 साल एप्लीकेशन को हो चुके हैं। तो भाई काफी पुरानी एप्लीकेशन है, अगर आपको है लोन की जरूरत तो आप ट्राई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन पे, सिर्फ आपको देना है एक पैन कार्ड और एक देना आपको आधार कार्ड। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कौन सी है, किस इंस्टेंट लाइन ऑफ क्रेडिट, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको जो प्रोवाइड कर रहा है ओनमी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, तो भाई काफी अच्छी एप्लीकेशन है, तो 4.1 की इसकी रेटिंग भी है, 1 करोड़+ इसके पे डाउनलोड भी है। अगर आपको पैसों की नीड है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकल नहीं देना, सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन में आपको देना सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड, इंस्टेंट आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी से थोड़ी भी यहाँ पे अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू दोस्तों।